हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम समोसा बना रहे हैं। समोसा बनाने के लिए यहाँ हम मैदा लेंगे, स्वाद अनुसार इसमें नमक डालेंगे, अच्छी तरह इसे मिला लेंगे। अब हम इसमें 5 चम्मच ऑयल डालेंगे। अब इसे हाथ की सहायता से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें पानी डालकर अच्छी तरह से इसका आटा गूंथ लेंगे। अब हमने आटा गूंथ लिया है। अब इसको 10 से 15 मिनट के लिए इसको ढक के रख देंगे। अब हम समोसे के लिए आलू मसाला तैयार करेंगे। मैंने यहाँ 5 उबले हुए आलू ले लिए हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। हम इसे ज़्यादा मैश नहीं करेंगे, थोड़ा करके छोड़ देंगे। अब हम गैस ऑन करेंगे, इस पर कढ़ाई चढ़ाएंगे। इसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे। अब हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे और अच्छी तरह से इसको भून लेंगे। अब हम इसमें आलू डालेंगे। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ा हल्दी डालेंगे। अब हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। अब हम इसमें जीरा पाउडर डालेंगे। अब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। अब हम इन चीज़ों को मीडियम आंच पर पका लेंगे। अब हमारा चोखा तैयार हो गया है। अब हम इसको गैस ऑफ कर देंगे। अब हम समोसा बना रहे हैं, इसके लिए पहले हम पूरी बेलेंगे। अब हम इसे बीचों बीच कट कर लेंगे।
अब हम इसके अंदर आलू डालेंगे। अब हम इसके किनारे किनारे से पानी लगाएंगे ताकि अच्छी तरह से चिपक जाए। आपको ठीक इसी तरह से करना है जैसे मैं कर। अब हम समोसे को फ्राई करेंगे। गैस ऑन कीजिए, उसके बाद कढ़ाई में तेल डाल के उसको। अब हम इसमें एक एक करके समोसे डालेंगे। हम तब तक इसको फ्राई करते रहेंगे जब तक ब्राउन कलर का ना हो जाए, और नॉर्मल गैस पर रखना है। देखिए हम सारी समोसे को प्लेट में रख दिए हैं, कितनी अच्छी और बाजार की तरह लग रही हैं। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।